हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आप वीडियो का टॉपिक समझ ही गए होंगे, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चे की फीडिंग कब छुड़ाई जाए, कैसे छुड़ाई जाए और इसको छुड़ाने के टाइम पर कौन कौन सी सावधानियाँ आपने बरतनी हैं, क्योंकि हमने बच्चे को इरिटेशन से भी बचाना है। तो सारा सब कुछ आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो गाइस, माँ का फीड बच्चे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए उतना बेटर रहता है, अच्छा रहता है, क्योंकि ये बच्चे के लिए फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन कई बार मदर्स की मजबूरी हो जाती है कि उनको फीड कराना छुड़वाना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मदर्स आप में से वर्किंग है जिनको ऑफिस जाना पड़ता है, या कई बार ये हो जाता है कि बच्चों के टीथ आ रहे होते हैं और टीथिंग के बाद बच्चों को फीडिंग कराना मदर्स के लिए काफ़ी पेनफुल रहता है। तो इन दो कंडीशंस में हमको बच्चे का फीड कराना छुड़वाना पड़ता है। तो अगर हम बात करें बच्चे के फीडिंग के टाइम की कि कब तक हमने बच्चे को फीड कराना ज़रूरी रहता है, तो लगभग 6 महीने तक, यानी कि शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं उस टाइम तक आप बच्चे को फीड ज़रूर कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, और 6 महीने के बाद आप बच्चे को ऊपर की डाइट स्टार्ट जब कर दें उसके बाद आप बच्चे को फीड करवाना छुड़वाने का ट्राई कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। क्योंकि हम एकदम से बच्चे को अगर फीड करवाना छोड़ देंगे और बच्चा ऊपर का खाना कुछ नहीं खाना स्टार्ट किया उसने, तो वो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, रोएगा भी और भूखा भी रहेगा। बच्चे की फीडिंग छुड़वाने से पहले आपने बच्चे को ऊपर का खाना देना शुरू करना पड़ेगा, जैसे कि सूजी की खीर या बॉयल करके मैश किया हुआ आलू, फ्रूट्स वगैरह वगैरह आप बच्चे को दे सकते हैं, जो बच्चे की हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हैं। मदर की फीड की उसको बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप बच्चे को ऊपर का खाना देना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि बच्चे को मदर की फीड की जल्दी से रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ऊपर का खाना आप देना ज़रूर स्टार्ट करें जब भी बच्चे की फीडिंग छुड़वाने की सोचें। धीरे धीरे मदर की जो फीड होती है उसकी रिक्वायरमेंट कम करने लग जाएगा, और जैसे जैसे वो दिन में रिक्वायरमेंट उसको कम होती है मदर फीड की, तो रात को आप एकदम से बंद ना करें रात को, क्योंकि अगर बच्चा दिन में फीडिंग कम लेने लग जाएगा तो रात में भी उसकी फीडिंग जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी। और सुलाने से पहले की खिचड़ी बना करके थोड़ा सा देसी घी उसके अंदर मिक्स करके वो बच्चे को दे सकते हैं, इससे बच्चे की हैवी डाइट हो जाती है, बच्चे की को डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाती है, और बच्चे का अगर पेट भरा रहेगा पूरी रात तो मदर की फीड की रिक्वायरमेंट उसे कम होगी। तो सबसे पहले आपने नोट ये करना है कि रात के टाइम पर आप बहुत जल्दी बच्चे का दूध छुड़वाने की कोशिश ना करें, इससे बच्चा रोएगा और चिड़चिड़ा भी रहेगा। 6 से 12 महीने के बीच का जो पीरियड होता है, इस पीरियड में हम बच्चे का जो अगर ऊपर की डाइट देना शुरू करते हैं तो जो न्यूट्रिशन होते हैं बच्चे को ऊपर की डाइट से मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर मदर फीड करवाना भी छोड़ देती हैं तो ये बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं रहेगा। फीडिंग कराने वाली जगह पर हल्का सा करेले का पेस्ट या फिर आप मिर्ची का पेस्ट लगा सकते हैं, हल्दी का पेस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ नहीं लगानी है जिससे कि सकिंग करने के दौरान बच्चे के पेट में चली जाए और बच्चे के लिए हार्मफुल रहे। तो आप हल्दी का पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, मिर्ची का पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर करेले का जो पेस्ट होता है, पानी होता है, वो आप लगा सकते हैं। थोड़ा पेशेंस बनाकर रखना है, कोशिश ये ना कीजिए कि 2 दिन में बच्चा फीडिंग छोड़ देगा या 3 दिन के अंदर बच्चा फीडिंग छोड़ देगा, 10 दिन बच्चे को लग जाता है। सो गाइस, ये थे कुछ ज़रूरी टिप्स, इनको ज़रूर फॉलो करना और काफ़ी काम आएंगे ये आपके लिए। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।